सनातन पर बयानबाजी की करते हैं। देश में हिंदू आस्था और सनातन धर्म का अपमान एक बार फैशन सा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से सनातन को निशाने पर लिया गया है। प्रभु श्री राम पर सवाल उठाए गए हैं और इस बार विवादित बयानबाजी की है एनसीपी नेता की तरफ से सामने निकल कर आई है। एनसीपी नेता जितेंद्र ने भगवान राम को लेकर अपमानजनक बयान दिया है। एनसीपी नेता ने कहा है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक हिंदू समाज ऐसे अपने आराध्य का अपमान सहता रहेगा। भगवान श्री राम के ऊपर बोलने से पहले हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबरी के यहाँ पर बेर खाने वाले भगवान श्री राम, जो भगवान श्री राम सभी मनुष्यों को एक सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म ग्रंथों में इन्हें आदर्श और न्यायप्रिय बताया गया है। भगवान श्री राम के जीवन में सत्य, दया और करुणा के मार्ग पर चलने की सीख मिलती है, और जब बात सदाचार की हो तो प्रभु राम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। लेकिन वक्त की विडंबना ही कहिए कि आज रामद्रोही तत्वों के निशाने पर प्रभु श्री राम है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में राम आज फिर से बहस का केंद्र बन चुके हैं। राम और मंदिर पर बयानबाजी ऐसी है मानो आपस में होड़ लगी हो, और इसी बयानबाजी में एक और नाम जुड़ गया है, जितेंद्र आव्हाण का, जिन्होंने राम को मांसाहारी बता दिया। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाण कह रहे हैं कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान जंगल में रहे, जंगल में जानवरों का शिकार किया क्योंकि शाकाहारी भोजन मिलना मुश्किल था, और बयान पर विवाद बढ़ा तो हेकड़ी देखी सफाई में रामायण का हवाला दे रहे हैं। ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है, कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया, 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है, वो तो मैंने नहीं किया। जितेंद्र आव्हाण पहले नेता नहीं है जो सनातनियों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इनसे पहले भी कई नेता सनातन पर बयानबाजी कर चुके हैं, कहे तो हर बार सनातन ही निशाने पर है, और ऐसे में संत समाज और सनातनियों में भारी गुस्सा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि हिंदू समाज कब तक ये अपमान सहन करता रहेगा। मुझे नहीं पता कि आज लोगों को क्या हो गया है। अभी किसी नेता का वक्तव्य मेरे सामने आया है और उसने कहा है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। इतनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए कि अपने साथ साथ अपने आने वाले रावण की तरह हमारी भी वंश नाश हो जाए। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। भगवान श्री राम के ऊपर बोलने से पहले हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबरी के यहाँ पर बेर खाने वाले भगवान श्री राम, जो भगवान श्री राम सभी मनुष्यों को एक सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, इन दुष्ट बुद्धि के लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं, मैं चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि आखिर कब तक हम लोग सनातनियों का, भगवान का, देवी देवताओं का अपमान सहते रहें, और कब तक हम कंट्रोल में रहें, कब तक हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोगों को रोड पे पकड़ के दो झापड़ नहीं लगाने चाहिए। क्या हो रहा है भाई? मैं चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध करें जो भगवान श्री राम पे, धर्म पे, सनातन पे, साधु संतों पे विरोध करते हो और उल्टा सीधा वक्तव्य देते हो, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंधित करें। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा एक निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सरकार से भी,
प्लीज एक ऐसा कानून लाइए जो इस निंदा का विरोध करता हो, जो बुरा बोलता हो इस निंदा पर, ऐसे लोगों को कठोर सजा हो सके। मैं तो कहूंगा आजीवन कारावास होना चाहिए जो हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं। मांग जायज है, क्योंकि एक तरफ देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है तो वही दूसरी ओर रामद्रोही भगवान श्री राम का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। टीवी के जो नेता जितेंद्र अहवाल बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे, और हमारे शास्त्र में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है, और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। ऐसे में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जब जब हुई धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु का अवतार होता है, और ऐसे में प्रभु राम पर सवाल उठाने वालों का नाश तय है। हर युग और कालखंड में रामद्रोही राम पर प्रश्न उठाते हैं, मगर भगवान श्री राम के आदर्श और सदाचार भरा जीवन रामद्रोहियों पर भारी पड़ता है। और जब बयान पर विवाद बढ़ा तो माफी मांग ली गई, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रभु श्री राम को गाली देकर एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं भय आया है, इसलिए उनसे माफी मंगवाई गई है, लेकिन गाली देकर कोई माफी मांगे ये स्वीकार नहीं है। कि जो एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने कहा और माफी मांग लिया, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े महापुरुष को या उनके बड़े नेता को गाली दे दे और फिर माफी मांग ले, तो जो बड़े नेता के दिल पर बैठेगा वो वापस हो जाएगा क्या? ये हिंदू आस्था को अपमानित करना है प्रभु श्री राम को गाली दे करके। एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं आया है, भय आया है। आज का युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शरद पवार जी को सनातन से भय के कारण इन्होंने उससे माफी मंगवाया, लेकिन गाली दे करके कोई माफी मांगे ये माफ करने योग्य।